हाईस्कल निकट में से अनुष्ठान आज सारा अंचल प्रसिद्ध लाभ कर कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र आप सका देखिए बहु युवक युवती रास्ता उपरे कसरत करापर से मैंने कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र सदस्य केवल से नुह समस्त सामाजिक कार्यक्रम में श्रृंखलागत सहयोग रही एक आम मर्मे मर्मे अनुभव करेतु आज आम सम्मानित करने जा श्रीजु दिव्यरंजन दास प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य आम अंचल जड़े युवक जी बिना पैसा रे मागणा रे ट्रेनिंग दे निज परिश्रम मूल्य निज दरबार खर्च कर पिला पैसा दिए कम बड़ कथ दुईपद मतामत रखे जय जगन्नाथ आज षोलतम कालिदास महोत्सव उपस्थित थिबा गुरुजन मंडली बबकपुर ग्रामर गुरुजन मंडली मोर प्रणाम एटार उपस्थित थिबा मोर गुरु निहार सार जहाँ पाखे मुझे माइनस पिले पढ़ी समय पाठ पढ़े आज सारे प्रशासनिक विभाग चाकरी करते पाठ पढ़ी सार मत हाथ में गढ़ी हाथ रही प्राइज ग्रहण कर बहुत खुशी लगुच आज जो कालिदास महोत्सव आमर अनुष्ठान कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र को सम्मानित कर कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र बाबद जस्ट दुई तीन मिनिट्रे किसी कह कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र सारा ओडिशा रे परिचित मानने डिफेन्स एकाडेमी हो कि आमर पाठपढ़ाई भी होने आम अंचल परिचित गोटे मनीष या कारखाना हिसाब से कारण आमर अनुष्ठान जो मोटो रखाई हार दुर्बलता नुह चेष्टा न करवा दुर्बलता हारी जा मनीष को मानने जितबार राह शिखा ये कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र कहीं जो पाने जो 2013 मसीह कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ करते पाक आरंभ कर जो मैंने मैट्रिक प्लस टू पाठ पढ़ापर से विदेश को चल जाऊ पैसार आवश्यकता हो कि पाठ न पढ़ी थ घर पैसा दिखती पाठ पढ़ापी से ही पल जाऊ से नहीं सक्से कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र आज दुई हजार बैश मसीह कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र सफलतार सेंचुरी मारी सारी जहाँकि मैंने गला 2022 मसीह पाखापाखि आम 16 जन पा चाकरी पाई आउ मे मंच मध्यम किसी कहना चाहूँगी आम अंचल बहुत लोग जाणिना जे कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र खाली डिफेन्स लाइन पर ट्रेनिंग दि जाए कम्पिटेट पे पढ़ा जा 2022 मसीह ओडिशा आदर्श विद्यालय हाईस्कल टीचर जूनियर आसीस्टांट ओडिशा सब इन्स्पेक्टर सोयल कंजर्वेशन यही विभाग में भी पे चाकरी पाई आमर आज ऑल ओडिशा पखापाखि 20टा जिलूर 425 पिला वर्तमान ऑनलाइन माध्यम रे गूगल मीट और टीच मीट मे शिक्षा नौ आज ये मंच माध्यम रे कह चाहूँगी जो पाने पाठपढ़ा छाड़ी से मैंने पुणी आसतु कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र को लक्ष्य पूरण करूँ जय हिंद जय जगन्नाथ धन्यवाद।